हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज दी केमिस्ट्री क्लास। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों का स्टार्ट किया था नया चैप्टर, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड और उसके बहुत से की प्रॉपर्टीज थी इसकी, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। उम्मीद है समझा होगा तुम लोगों ने। आज हम डी ब्लॉक के ही सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है, और वो एक तरह से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पिछले क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। आज हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उसके बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पीरियडिक टेबल की कंप्लीट स्टडी हो जाएगी डी एंड एफ ब्लॉक की स्टडी के साथ। जनरली पीरियडिक टेबल के बारे में तुम लोगों ने 11th में पढ़ा था, उसके बाद बाकी जो कुछ था पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक ये तुम लोगों ने सारे के सारे इन क्लासेस में पढ़े हैं। तो सम स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बाकी के कैरेक्टरिस्टिक पिछले क्लास से बताया था। तो अगला जो इसका जो कैरेक्टर है वो है कलर्ड कंपाउंड्स बनाने का। ए सब्सटेंस अपीयर कलर्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ जब एब्जॉर्ब करता है कोई सब्सटेंस, एंड ट्रांसमिट्स और रिफ्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ। तो इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज इट एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ। Each wavelength of visible light represent a different color. White light is a combination of all colors. The following table shows the relationship of wavelength absorbed to the observed color. Wavelength 4000 angstrom to violet color. Wavelength 4500 then ब्लू कलर अपीयर होता है। वेवलेंथ एब्जॉर्ब 400 900 देन ब्लू ग्रीन कलर एंड 5700 गिव्स येलो इश ग्रीन, 5800 गिव्स येलो, 6000 गिव्स रेड एंड वेवलेंथ 6500 गिव्स रेड कलर। तो वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगी, कलर ऑब्जॉर्ब कौन सा होगा, ग्रीनिश येलो, येलो रेड वायलेट डार्क ब्लू, ब्लू एंड ब्लू ग्रीन। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स मेटल्स आर कलर्ड इन द सॉलिड फॉर्म और इन सॉल्यूशन। द कलर आर ऑफ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट N-1 डी सब्शन। Under the influence of approaching anions, the d orbitals of central atom ion do not remain degenerate. They split into two sets, one set consisting of two orbitals dx square minus dy square,
फाइव ऑर्बिटल्स होती हैं डी सबशेल में, तो वन सेट कंसिस्टिंग ऑफ डी टू डी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑफ हायर एनर्जी एंड द अदर सेट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑफ लोअर एनर्जी विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम लाइट देर इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डी ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी टू बी टू द डी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। इस तरह से जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये डी ऑर्बिटल है जो स्प्लिट हो जाती है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स पे, तो एक ये ई जी है जिसमें कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये हायर एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल हैं और ये इनकी एनर्जी लो है जिसको टी टू जी कहते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, ये कहलाता है टी डी डी ट्रांजिशन। व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन ए कंपाउंड ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल सम ऑफ इट्स एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकुलर कलर इज एब्जॉर्ब एंड द इलेक्ट्रॉन गेट रेस्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स द रेस्ट ऑफ द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड एंड द कंपाउंड अपीयर्स कलर्ड द एब्जॉर्ब कलर ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कलर विच एब्जॉर्ब। द कलर्स एंड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट आयंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसिशन सीरीज आर टेबुलेटेड हियर। आयन आउटर कॉन्फिगरेशन Sc3+ जब आयन बनेगा तो दो s इलेक्ट्रॉन और एक d इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा जिससे कि इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो ये आयन क्या होगा कलरलेस होगा। Ti4+ में भी यही होगा, फोर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो d में जीरो हो जाएगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो, तो ये भी कलरलेस होगा। अब Ti3+ में एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में यानी कि वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका कलर पर्पल होता है। V3+ में दो डी इलेक्ट्रॉन है दोनों अनपेयर्ड होंगे तो इसका ग्रीन होगा। Cr3+ इसमें भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वायलेट कलर। 3D4 मैग्नीज 3+ आयन में तो इसमें फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वायलेट। अब मैग्नीज 3D5 पांच इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे तो पांचों क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे लाइट पिंक कलर। अब Fe2+ में 3D6 हो गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं होगा बल्कि एक डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें चार होंगे और ये ग्रीनिश कलर देता है। उसी तरह से अगला है Mn3+ क्या होगा Fe3+ में 3D5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में तो 5 अनपेयर्ड होंगे तो कलर इसका येलो है। कोबाल्ट में 3D7 तो दो दो इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएंगे और तीन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे। इसी तरह से निकिल में 8 इलेक्ट्रॉन तो दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब d ऑर्बिटल बना के देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएंगे फिर तीन इलेक्ट्रॉन और जाएंगे तो तीन पेयरिंग हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर बचेंगे दो, इसका कलर ग्रीन होगा। कॉपर का 9 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ब्लू कलर। फिर क्यूप्रस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे डी में जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। इसी तरह जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो तो ये दोनों क्या होंगे कलरलेस।
इफ ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू रेड लाइट द ट्रांसमिटेड लाइट विल कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू ग्रीनिश ब्लू लाइट एंड द सब्सटेंस अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू. तो अपोजिट प्रिंसिपल होता है इसमें कि अगर हमें रेड लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेड लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी. द ट्रांसमिटेड लाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू ग्रीन, जस्ट अपोजिट इसका कलर होगा. इसी तरह से अगर जैसे वायलेट लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो हमें क्या दिखेगा, येलो कलर दिखेगा. तो इसका एक डायग्राम भी है वो इसमें मिस हो गया है, वो तो लोगों को दिखा देंगे हम अगले क्लास में. तो अपोजिट जो जिस कलर की लाइट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उसका जस्ट अपोजिट कलर हमें दिखाई देता है. द कलर ऑफ TiH2O6 3+ आयन इज पर्पल. इसके एग्जाम्पल के लिए है ये. इट्स कलर कैन बी एक्सप्लेन ऑन DD ट्रांसिशन इन TiH2O6 3+ आयन. Ti हैज D1 कॉन्फिगुरेशन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट on any one of the d orbital of 2g set कौन सा है, T2g set, जो कि lower energy का है. On absorption of yellow light this electron is excited to one of the orbital eg में. ये trans यहाँ से ये इसमें है, यहाँ से ये इसमें transfer हो जाता है, यानी T2g से eg orbital higher energy level में transfer हो गया. बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यहाँ था ये इलेक्ट्रॉन और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ये यहाँ पहुँच गया. वेन येलो पोर्शन ऑफ वाइट लाइट इज एब्जॉर्ब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड द सोल्यूशन हैविंग दिस आयन विल बी अपीयर पर्पल. यानी येलो पोर्शन एब्जॉर्ब होगा तो पर्पल हमें कलर दिखाई देगा. The transition metal ion which have completely filled d orbitals 3d10, 4d10, 5d10 such as zinc ion, cadmium ion and mercuric ion, cuprous and silver and gold ions are colorless as the excitation of electron or electrons is not possible within d orbital. The transition metal ions which have completely empty d orbitals such as Sc3+, Di4+, etc. are also colorless. The point to be noted, in the oxy salts of transition elements like potassium permanganate, potassium dichromate, there are no unpaired electron at the central atom. But they are deep in color. The color of these compound is due to charge transfer spectrum. Observe the color. यहाँ पे देख सकते हो color किस तरह के हैं. Color AgCl का white ionic character इसमें 80% होता है. AgBr pale yellow ionic character इसमें 22% है. AgI yellow दिखता है ये 15% ionic character और Ag2S जो है ये black दिखता है 4% ionic character. There is no unpaired electron with Ag+. Thus, color of these compound can be explained on the basis of percentage ionic character. If the ionic character of these ionic compound is less than 20%, then the compound will be colored. Now, magnetic properties. When a magnetic field is applied to a substance, mainly two types of magnetic behavior are observed. These are either paramagnetic or diamagnetic. A paramagnetic substance is one which is weakly attracted to a magnetic field, and a diamagnetic substance is one which is repelled by a magnetic field. The paramagnetic behavior arises due to the presence of one or more singly occupied atomic orbitals, while diamagnetic behavior is due to
presence of paired electrons in the atomic orbital. Most of the compounds of transition elements are paramagnetic in nature, as unpaired electrons in d orbital are present. The magnetic character is expressed in terms of magnetic moment. The magnetic moment arises only from the spin of electrons. The effective total magnetic moment mu is given by this equation: mu effective is equal to root n under root n n plus 2 b m, where n is the number of unpaired electrons. Larger the number of unpaired electrons in the substance, a greater is the magnetic moment in Bohr magnetism, and larger shall be its paramagnetic. The magnetic moment of some important ions of the element of the first transition species are here. In this expression, जो अभी equation वहाँ पे देखा तुमने, ये इसमें 1 bm is equal to eh upon 4 pi mc. bm जो है 4 magneton है, e है charge of the electron, h Planck constant, m mass of the electron, and e c is the velocity of light. अब ये कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कलर्ड कंपाउंड में हमने देखा था, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है. कॉन्फ़िगरेशन 3d0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो होगा. Ti3 प्लस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.73, जबकि ऑब्जर्व होता है 1.75. इसी तरह से Ti2 प्लस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि कैलकुलेटेड इतना होना चाहिए होता कितना है 2.76. इसी तरह से वैनेडियम 2 प्लस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 3.87 इस ऑब्जर्व है 3.86 जबकि कैलकुलेटेड इतना है. इसी तरह क्रोमियम, मैगनीज, तो ये देख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे थोड़ा लेस आती है ऑब्जर्व वैल्यू. ये सारे के देख सकते हो, Fe2 प्लस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe2 प्लस में. तो इसे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आयन का नाम दे दिया, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अगर ये टेबल याद होगी तो ये क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा. और डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी सामने है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड कितना है और ऑब्जर्व कितना है, ये सारी चीज़ें इस टेबल में मौजूद है. जहाँ पे ये जिंक में देखो 3d10 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका जीरो हो जाता है. सब्सटेंसेस विच आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई एन अप्लाइड फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के अलावा एक टर्म है फेरोमैग्नेटिक. तो सब्सटेंस विच आर वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एन अप्लाइड फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक. इट इज एविडेंट फ्रॉम द वैल्यूज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 5. आफ्टर d5 कॉन्फिगरेशन देयर इज डिक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज. इन द केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर मच मोर प्रोनाउंस. As a result, these elements are much more paramagnetic than the rest of the elements. These elements are termed ferromagnetic and can be magnetized. The paramagnetic or diamagnetic nature of a substance can be determined by weighing the substance first in air and then suspending it between the poles of magnetic field. If the weight of the substance is more in the magnetic field, it means that it is attracted by the field and thus it is paramagnetic substance. If the weight of the substance is less in the magnetic field, it means that it is repelled by the field and hence it is diamagnetic in nature.
Now, second important property of transition metals and elements is tendency to form complexes. D block elements have a marked ability to form complexes compound. This ability is on account of the following three reasons. First, small size. Second, high nuclear charge. Third, number of vacant orbitals of equivalent energy where the electrons donated by ligands can be accommodated. Ligand वगैरह के बारे में हम अभी आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. Ligands are species with the lone pair of electrons which they can readily donate. These species can be neutral molecules such as NH3, H2O, NO, CO, etc. or ions such as fluoride, chloride, cyanide, etc. The number of attachment with ligands are usually either 4 or 6. That is, the coordination number of metal ion is usually 4 or 6. The compounds containing complex ion termed as coordination compounds. Example is ये sodium ferrocyanide, इसी तरह से ये CuNH3O4SO4, ये सारे क्या है tetracarbonyl nickel. These are the coordination compounds. Coordination compounds के बारे में हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे. Now formation of interstitial compounds. Small non-metallic atoms such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen structure are able to occupy interstitial species of the lattice of the D-block element to form combination which are termed interstitial compounds. They are usually non-stoichiometric materials having formula like PIC, Mn4n, Fe3h, Eh0.56, Pi8.17, etc. The bonds present in them are neither typically ionic nor covalent. The formula do not correspond to any normal oxidation state of metal. इस तरह से जो ये बीच में interstitial voids होते हैं इनमें ये एटम्स आ जाते हैं और इस तरह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है जो कि सॉलिड स्टेट में तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एट द पेरेंट मेटल्स बट डिफर एप्रिसिएबली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, कंडक्टिविटी, एटसेट्रा. As a result of filling up of the interstitial spaces, the metal become rigid and hard. Steel is quite hard as it is an interstitial compound of iron and carbon. Some of the borates are as hard as diamond. Third, the interstitial compound possesses high melting points which are higher than those of pure metals. Now, catalytic properties. This is also important properties of transition metal. Many of the D block elements and their compound act as catalyst in various reactions. Some common examples are here. First, platinum used as a catalyst in the manufacture of sulfuric acid. Iron used as a catalyst in the manufacture of ammonia by Haber process. A small amount of molybdenum is added as a promoter. सारी चीजें पढ़ी हैं तुमने. Nickel used as a catalyst in the hydrogenation of ions. Vanadium pentoxide used as a catalyst for the oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide for the manufacture of sulfuric acid in the contact process. Manganese dioxide used as a catalyst in the decomposition of KClO3 for preparation of oxygen. Cobalt salts catalyze the decomposition of bleaching powder, and cobalt thorium is used in the fissure trap process for the synthesis of
gasoline, that is petrol. Cupric chloride is used in Dickens process for the manufacture of chlorine. The catalytic activity of transition metal is attributed to the following reason. Because of their variable valencies, transition metal form unstable intermediate compounds and provide a new path with lower activation energy for reaction. ये सारी चीजें तो बोलो physical chemistry में पढ़े हुए हो, उन्हीं से सब याद आ जाएगा. And transition metals provide a suitable surface where the reactants are adsorbed and thus come closer to one other, facilitating the reaction to proceed. Surface chemistry में पढ़ा ये चीज. Now alloy formation. The transition metals forms a large number of alloy. Since D block elements are quite similar in atomic size, the atom of one metal can substituting the atom of other metal in its crystal lattice. Thus, on cooling a mixture solution of two or more transition metals, smooth solid alloys are formed. Alloys are generally harder, stronger, have desirable casting properties, have high melting points, and are more resistant to corrosion than the individual metal. The metal chromium, vanadium, molybdenum, tungsten, nickel, and manganese are used for the formation of special steel and stainless steel. Alloys of transition metal with non-transition metals such as brass, bronze, etc. are also of considerable industrial importance. Now some important compounds. The transition metals combine with a number of non-metals such as oxygen, nitrogen, carbon, halogen, sulfur, phosphorus, etc. to form useful binary compound. General tensin oxides, halides, and sulfides are given here. First oxides, the element of first transition series form a number of oxides having general formula MO, M2O3, M3O4, MO2, M kya hai? Metals hai? M2O5, MO3. The oxides are generally formed when the metals are strongly heated at high temperature in the atmosphere of oxygen. These oxides exhibit acidic, basic, and amphoteric behavior. The important and common oxides of the element of first transition series are here. ये स्कैंडियम की Sc2BO3, उसी तरह टाइटेनियम की तीन ऑक्साइड है Ti2O3, Ti2O2, उसी तरह से वेनेडियम की है Vo2O3, Vo2 and Vo5, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंट ऑक्सीडाइड्स बनाते हैं. इसी तरह क्रोमियम की ऑक्साइड्स दी हुई है सामने, मैग्नीज की, मैग्नीज डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड है. इसी तरह फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, कोबाल्ट की ऑक्साइड्स हैं, निकिल की ऑक्साइड बनाता है, कॉपर, जिंक, ये सब ऑक्साइड बनाते हैं. इसमें कैरेक्टर ABC दिया हुआ है. जहाँ पे A दिया हुआ है वो तुम्हारे एसिडिक हैं, B है जहाँ पे वो बेसिक ऑक्साइड हैं, और जो C है वो एम्फोटेरिक, एंड H जहाँ पे है वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है. इसको देख लेने के बाद, स्टेबल ऑक्साइड है बीन इंडिकेटेड बाय बोल्ड लेटर्स, अनस्टेबल आर इन पैरेंट लेस. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज ऑक्साइड आर हियर. फर्स्ट, द ऑक्साइड्स इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर बेसिक इन नेचर. The oxides in intermediate oxidation states are amphoteric, and oxides of higher oxidation state are acidic in nature. Example, oxide of chromium का example है. यहाँ oxidation state of chromium 2 है तो ये basic है, 3 and 4 इन बीच का है तो amphoteric, और जब higher oxidation state है 6
प्लस सिक्स, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सी आर ओ थ्री का एसिडिक। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ती है। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज प्लस टू प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड है बेसिक, फिर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट एम एन ओ टू का एम्फोटेरिक है, और एम एन ओ थ्री एम एन टू ओ सेवन ऑक्साइड जिसे प्लस सिक्स और प्लस सेवन है, ये एसिडिक कैरेक्टर है। एम एन ओ टू क्या होता है, एम्फोटेरिक, यानी एक तरह से ये दोनों कैरेक्टर इसमें थोड़े थोड़े होते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इट कैन आल्सो बी सेड दैट इफ ए मेटल फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्साइड द एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज एज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पे एक पॉइंट है। द बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली डिजॉल्व इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl टू फॉर्म हेक्सा एक्वा आयन। सम ऑफ द ऑक्साइड डिजॉल्व इन एसिड और बेस टू फॉर्म ऑक्सो मेटालिक सॉल्ट सच एज क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स एंड पैरा मैग्नेट्स। Now another compound of transition metal is halides. Transition metals combine with halogen at high temperature to form compounds called halides. On account of high activation energies of these reactions, high temperature is usually needed to start the reaction. But once the reaction starts, the heat of the reaction is sufficient to maintain the continuity of the reaction. The reactions are exothermic in nature. The order of reactivity of halogen is सबसे ज़्यादा reactive fluorine, फिर bromine, फिर iodine. Reactivity घट रही है. Metals in higher oxidation state only form fluorides, as it is the most electronegative and reactive element. The following are some of general characteristics of halides. First, fluorides are mainly ionic in nature. The chlorides, bromides and iodides have ionic as well as covalent character. The covalent character increases atomic mass of the halogen increases. For example, CuF2 is ionic compound while CuCl2 and CuBr2 are covalent forming infinite chains. The coordination number of the copper in this compound is 6. The structure of CuCl2 is here. इस तरह से होता है इसका structure. CuCl2 का आपस में इस तरह से CuCl2 के लिए CuCl2 इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं. Now halides of metal in higher oxidation state are relatively unstable and undergo hydrolysis very easily. TiCl4 oxidation state जब ज़्यादा होगा तो easily hydrolysis हो जाएगा और ये TiO2 में change हो जाता है, HCl बनता है. The solutions of several halides are acidic in nature due to hydrolysis. This solution can be stabilized by the addition of acid in order to prevent hydrolysis. PCl3 की hydrolysis हो जाती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, इसी तरह से क्यूप्रिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनता है. तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड इसमें डालते हैं जिससे कि ये रिएक्शन रिवर्स में हो जाता है और ये हाइड्रोलिसिस जो हो रही है रुक जाती है. नाउ सल्फाइड्स ऑफ ट्रांसिशन मेटल, सल्फाइड्स ऑफ ट्रांसिशन मेटल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल विद सल्फर और बाय एक्शन ऑफ H2S और सोडियम सल्फाइड ऑन द सॉल्ट ऑफ दीज मेटल. डायरेक्ट Fe से S रिएक्शन होता है तो आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, सल्फेट और नाइट्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन से CuS2SO4 बनता है. सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद Na2S टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड. सल्फाइड ऑफ ट्रांसिशन मेटल्स आर कलर्ड यूजुअली ब्लैक एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इस तरह से ये डी ब्लॉक
कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हुई सारी चीजें, तुम लोगों ने देखा किस तरह की कलर्ड आयन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और किस तरह के रिएक्शंस होते हैं इनके कंपाउंड्स में। कुछ जनरल कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम अगले क्लास से बताएंगे, जिसका कि लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें मैग जो क्रोमियम है वो ट्रांसिशन मेटल है और पोटेशियम परमैंगनेट मैगनीज, इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।